मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांता राव आज विदिशा आए, जहां निर्वाचन कार्यों का जायजा लिया और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। ये 31 साल के बाद वाले सर, नीम कलर कोडिंग कराई है सर, 31 साल के बाद वाले कहाँ बैठेंगे सर? उनको बोलना तहसील है ऑफिस कानून शाखा है, ऑफिस कानून शाखा, कानून शाखा में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। वो आप इन लोगों को बताना पड़ेगा सर कि वो आरपीओ को बुला के बिठाना, हाँ ये जैसे आप ये देखिए स्कूल बस का मशीन है, इस वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड तक वो पर्ची आपको दिखेगी जिसको जिस उम्मीदवार को आपने वोट डाला होगा, ठीक है, तो उससे यह सुनकर आपको दिखेगा। आ जाए कोई भी आ जाए, आ जाओ आप, आ जाओ आप भी आ जाओ, कोई भी अपने मन से आप देखेगा ये आपको। रंगोली क्यों लगाए ऐसे ही? मेरे अंदर से राणा कौन है जी? जी क्या काम करते हैं आप? एक तरफ से जाने का और एक तरफ से बाहर आने का, दो गेट। ये मोबाइल नंबर आपका सही है कि बदल गया? जी सर यही है मेरा। 27/9/18 सर। मैंने परसों जी सर, तो इसमें नाम कौन कौन से जुड़े कैसे पता चलेगा सर? इसमें जनरेशन कटे हुए ये परिवर्तन के नाम जुड़े हैं। अच्छा जी सर, के बाद कोई देखना चाहे तो ये लोग के पास सर रहते हैं, मेरे कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। ये आरोग्य सर, ये लोग के पास नहीं सर, हमने तो सर कब मैंने आपके फोन आने के बाद पूछा था सर, मैं उनका कहना है बिजी स्ट्रॉन्ग रूम के नोडल अधिकारी हैं। इस तरीके से सर कुछ नोडल अधिकारी सर हमारे यहाँ पे हैं। इसके अलावा सर जो है हमारे आरओ बेंजवास होगा, आरओ शमशाबाद नटेरन में सर एग्जाम देने के लिए, और इसके अलावा FLC के जो हमारे साहब हैं और SCOP बासोदा सर, ये नोडल ऑफिसर हैं इलेक्शन के हमारे, और साथ में 2 SDOPs हैं और 3 SDOPs। RTO बैठे हैं, एक्साइज ऑफिसर सर बैठे हुए हैं, और सर आई टी